केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाए आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। साथियों, अध्यापक संवर्ग और शिक्षक संवर्ग के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। ये निश्चित ही आपकी भावनाओं को छुएगा। इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग भी गजब का, बिना छात्रों के शिक्षक स्कूल आखिर क्यों, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। आखिर देश व विशेषकर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है? प्रदेश व शिक्षा विभाग को शासन प्रशासन के नुमाइंदे इस तरह चलाने का मकसद क्या है? इनकी मंशा क्या है? पूरे मध्य प्रदेश को अजूबा साबित कर दिया जा रहा है। ऐसे रूम में बैठे जो मन में आ जाए वही फरमान जारी कर रहे हैं। ये शायद विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर मध्य प्रदेश को संचालित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति, परिस्थिति का अभाव है। इसे विडंबना कहें या मजाक, आखिर शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में चाहता क्या है? जून के इस माह में 45 डिग्री से अधिक गर्मी का आलम है और आम आदमी तक अपने घर से बाहर निकलने की कल्पना नहीं कर सकता है। वहीं 10 जून से स्कूल खोलने की बेमतलब की हिमायत विभाग ने दे डाली है। और विडंबना देखिए, शिक्षक 10 जून से स्कूल जाएंगे और छात्र छात्राएं 24 जून से स्कूल जाएंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि यह शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है या सम्मान दिया जा रहा है। आखिर क्यों शिक्षक अकेले स्कूल में रहेंगे? क्या उद्देश्य है सिर्फ शिक्षकों को तपती गर्मी में बेवजह स्कूल भेजने की? शिक्षा विभाग के आला अधिकारी प्रदेश के शिक्षक वर्ग से किस जन्म का बदला ले रहे हैं? कोई एक वजह तो बताएं कि इस कारण से शिक्षकों को इतनी तपती गर्मी में बिना छात्र छात्राओं या बिना अध्यापन कार्य के भी स्कूल जाना ही पड़ेगा। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की हालत खराब करके रख दी है। स्कूलों को शिक्षा मंदिर कम कई नाम दे दिए। शिक्षा का स्तर स्वयं शिक्षा विभाग ने आगे रहकर बंटा ढार करके रख दिया है। अनिवार्य शिक्षा 8वीं तक कोई अनुत्तीर्ण नहीं होगा, चाहे बच्चा स्कूल में मत आओ। वहाँ अच्छी शिक्षा, शिक्षकों से अध्यापन नाम मात्र का करवाते हैं। BLO, मध्यान्ह भोजन सर्वे, जनगणना, पशुगणना, कौन मरा, किसने जन्म लिया, कब मरा, कब जन्मा, चुनाव में ड्यूटियां, डाक पे डाक, फिर डिजिटल भारत कैसे, दिन भर व साल भर प्रदेश के शिक्षकों को भटका भटका कर प्रदेश के छात्र छात्राओं को असली शिक्षा से वंचित करके रख दिया है। शिक्षकों को महज एक मशीन बनाकर कोल्हू के बेल की तरह जोत रहे हैं। लगता है अब गुरु गुरु नहीं रहा, तमाम काम गुरु शिक्षक से करवाकर प्रदेश को शीर्ष पर ले जाने का बेबुनियादी सपना संजो रहे हैं। गोपाल दास बैरागी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि लगभग 2 दशक पूर्व जो मध्य प्रदेश में शिक्षा पद्धति चलती थी वो ही सबसे सहज और महत्वपूर्ण थी। नए बेबुनियादी नियमों को हवा देने से बेहतर यही कि पूर्ववर्ती शिक्षा सत्र 31 मार्च तक परीक्षा संपन्न हो, अप्रैल में परीक्षा परिणाम हो और मई जून 2 माह पूर्ण रूपेण स्कूलों में शिक्षकों व छात्र छात्राओं के लिए अवकाश हो व नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पूर्ववर्त 1 जुलाई से हो। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगे रहकर AC या पंखे नहीं लगवा रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि AC रूम में बैठे आला अधिकारी ने सरकारी स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करवाने का टेंडर ले रखा हो? शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ ही प्रदेश का पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय लाखों रुपए फिजूल खर्च करके निजी विद्यालयों में पढ़ाने तो मजबूर हो रहा है। आज की परिस्थिति पर जरूर गौर करें तो वो दिन दूर नहीं कि न सरकारी संस्थान रहेंगे न सरकारी कर्मचारी। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।